खाना या कुक्ड आइटम के ऑनलाइन ऑर्डर का चलन हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ा है। अपने मोबाइल से ऐप पर जाकर आप अपना पसंदीदा खाना चुनते हैं और उसकी कीमत देखने के बाद ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपको गर्मा गर्म खाने की डोर डिलीवरी भी मिल जाती है। लेकिन फूड टेक जोमैटो के एक ताज़ा विवाद ने कंपनी और कस्टमर से लेकर डिलीवरी बॉय सभी को सन्न कर दिया है। सोशल मीडिया पर किसी ने ऑनलाइन फूड डिलीवर करने वाली एक कंपनी जोमैटो के बारे में लिखा और कहा कि जोमैटो जो डिलीवरी बॉय हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप अगली बार ऑर्डर करना तो ऑनलाइन पेमेंट मत करना, 1000 रुपये का फूड आप ऑर्डर करेंगे तो आपको हम वो 200-300 रुपये में दे देंगे, वो आप हमें दे देना और हम जाके बोल देंगे कि कस्टमर ने खाना लेने से इनकार कर दिया। एक तरह से ये स्कैम है। जोमैटो के डिलीवरी बॉय का ये स्कैम सामने आया है, जिसकी जानकारी कंपनी के सीईओ दीपेंदर गोयल को भी है। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल कंपनी कर रही है, लेकिन ये मामला है बेहद दिलचस्प। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर विनय सती नाम के एक शख्स ने जोमैटो के सीईओ दीपेंदर गोयल को टैग स्कैम की जानकारी शेयर की है। विनय सती ने लिखा कि मैंने बर्गर किंग से जोमैटो के जरिए बर्गर ऑर्डर किया था, जिसका ऑनलाइन पेमेंट मैं कर चुका था। 40 मिनट के बाद जैसे ही डिलीवरी बॉय आया तो उसने कहा, सर अगली बार ऑनलाइन पेमेंट मत करना। मैंने पूछा, क्यों? अगली बार जब आप कैश ऑन डिलीवरी से 700-800 रुपए का खाना ऑर्डर करेंगे तो आपको उसके लिए केवल 200 रुपए देने होंगे। मैं दिखाऊंगा कि आपने खाना नहीं लिया है, लेकिन मैं डिलीवरी करूंगा, बस आपको मुझे 200-300 रुपए देने होंगे और आप 1000 रुपए के खाने का मजा लेना। लिंक्डइन पर ये जानकारी देखकर जोमैटो कंपनी में हड़कंप समझ गया। दीपेंदर गोयल ने फौरन इसका जवाब भी लिखा, मैं इस स्कैम के बारे में जानता हूं और खामियों को दूर करने के लिए काम कर रहा हूं। साफ है कि कंपनी विनय सती के सोशल मीडिया पोस्ट को हल्के में नहीं ले रही है, लेकिन लाख % का सवाल ये कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि ऑर्डर अगर कैंसिल हुआ तो उस खाने का रिटर्न सुनिश्चित करने की व्यवस्था कंपनी ने की हुई है। इस बारे में जोमैटो के डिलीवरी बॉय कह रहे हैं कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ झाला है, ये गलत है और ये सब अफवाह है। हाँ। क्योंकि आज की डेट में ऑर्डर डिलीवर ना भी होगा और कैंसिल होता है तो रिटर्न बचता है और हमें रेस्टोरेंट पर जमा करना होता है। ये सब पहले था सिस्टम, अब कंपनी ने सिस्टम चेंज कर दिया। ऑर्डर अगर कैंसिल होता है, चाहे सीओडी हो चाहे पेड हो, वो ऑर्डर रिटर्न बचता है, वो मर्चेंट को हमें जमा करना पड़ता है, उसका ओटीपी मिलता है, ऑर्डर तब कम्प्लीट होता है। ऐसा कुछ अफवाह है, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 7 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा अभी तक मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ जो ऐसा कुछ हुआ हो। बाकी अफवाह तो कुछ भी हो सकती हैं, अफवाह में किसी का कोई कुछ कर नहीं सकता। साफ है अगर ऐसा हुआ भी होगा तो ये रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई डिलीवरी बॉय हर दिन ऐसा करना शुरू कर दे तो कंपनी के रडार पर आ जाएगा और उसका स्कैम पकड़ा जाएगा। कई एक ऑर्डर ऐसे होते हैं जो हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे कि कस्टमर या एड्रेस नहीं मिल रहा है या खाना कैंसिल हो रहा है या जो भी है, तो वो कंडीशन बनती है कि हमको खाना रिटर्न करना है या फिर उसको किसी सेफ जगह पे या ज़रूरतमंद को देना है। ऐसा नहीं होता कि हर खाने को हम जाके रेस्टोरेंट पे दें। तो ऑर्डर पेड है, कस्टमर कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या एड्रेस गलत है तो ऑर्डर कैंसिल होता है, तो ऑर्डर कोई ऑर्डर रिटर्न बचता कोई नहीं बचता, तो ऑर्डर वो हम या हम खा लेते हैं किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। ऑर्डर कैंसिल होगा ही नहीं, ऑर्डर कैंसिल होने से पहले रिटर्न बजेगा, कैंसिल होता ही नहीं ऑर्डर। ऑर्डर जो रिटर्न की एप्लीकेशन आएगी, रिटर्न बजेगा, हमें एक्सेप्ट करनी होगी और वहाँ से निकल के ऑर्डर रेस्टोरेंट पर देना ही है। दुनिया के ज्यादातर कारोबार भरोसे की बुनियाद पर टिके होते हैं, लिहाजा स्कैम की गुंजाइश हर जगह रहती ही है। जोमैटो के साथ जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई आना बाकी है, लेकिन इस घटना से ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर चर्चा तो छिड़ ही गई है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।